ये मित्रों, मैं एक बहुत अच्छे पौधे से आपको अवगत करा रहा हूँ। पौधे कितने प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं ये आप देखिए। ये पौधे का नाम है ब्रह्म सुवरचला। ब्रह्म का पौधा है ये, ब्रह्म सुवरचला इसका नाम है। इसका नाम ब्रह्म सुवरचला इसलिए है कि इसकी पत्ती दिन में देखिए, अभी सूर्य उगा हुआ है, सूर्य की तरफ इसका पूरा मुँह है, पूरी पत्तियाँ सूर्य की तरफ हैं इसकी। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की तरफ जाएगा इसकी पत्तियाँ भी पश्चिम की तरफ चली जाएंगी, और जैसे ही सूर्य अस्त होगा पत्ती पूरी सिकुड़ जाएंगी। ये सूर्य वल्ली भी इसको बोलते हैं। सूर्य के साथ ही ये घूमता है मित्रों, जहाँ जहाँ सूर्य जाता है वैसे ही इसकी पत्तियाँ भी उस तरफ उन्मुख होती चली जाती है। इस पत्ती के ऊपर देखिए लाल लाल निशान दिखेंगे आपको, ये लाल लाल निशान है इसके ऊपर, रक्त के निशान है। इसको कभी कहीं इसको रक्त चित्ती भी बोलते हैं। ये देखिए लाल लाल निशान है। ये देखिए अभी सूर्य की तरफ पूरा मुँह इसका सूर्य की तरफ है। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम में जाएगा ये भी पत्तियाँ पश्चिम में घूमने लग जाएंगी। मित्रों, इस पौधे का इतना महत्व है कि ये स्वयं साक्षात सूर्य भगवान है। इसको घर में लगाने से आपके घर के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। थोड़ा सा दुर्लभ पौधा है ये, परंतु मिल जाता है अगर प्रयास करें तो। संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं, हर चीज़ प्राप्त हो जाती है और मिल जाती है। मित्रों, इस पौधे का बड़ा चमत्कार है, घर में सुख शांति है। जिस घर में सूर्य नारायण स्वयं आते हों, आजकल वैसे भी सूर्य का प्रकाश घर में नहीं आता, परंतु सूर्य नारायण का ये पौधा आपके घर में लगा लें। सूर्य के चारों तरफ सब ग्रह नक्षत्र चक्कर लगाते हैं तो आपके घर में कोई मुसीबत कोई उपद्रव अनावश्यक होगी नहीं। ये बड़ा अच्छा पौधा है मित्रों, इसको जरूर घर में लगाना चाहिए। थोड़ी मेहनत करके इसको प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्म सुवरचला इसका नाम है, सूर्यवल्ली भी इसका नाम है। ये बहुत अच्छा पौधा है मित्रों। मैंने आपको इसलिए अवगत करा दिया कि पौधे में भी कितनी सजीवता कितनी जान होती है। लोग सोचते हैं पौधे में कुछ जान नहीं होती, पौधे एक अलग चीज़ है, पर है नहीं। पौधे सिर्फ आपके ही जैसे हैं, इनकी भी अपनी भाषा है, बस ये चल फिर नहीं सकते। बाकी सब कुछ है इनमें, जो आप में आपसे ज़्यादा है इनमें, सदा देने की सामर्थ्य है इनमें, आप में वो नहीं है, सदा देते रहते हैं ये। आपके बीज ट्यूब के माध्यम से मैंने आपको ये आज ब्रह्म सुवरचला से अवगत करा दिया। आप इसको देखिए, मेरे यहाँ ये गमले में लगा है, ये मैंने इसको गमले में लगा रखा है। अच्छा, बहुत अच्छा पौधा है ये, और इसके प्रभाव भी मेरे दैनिक जीवन में आते रहते हैं मित्रों। तो मैंने आपको YouTube के माध्यम से इस पौधे से अवगत कराया। आप इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए, ताकि हमारी जो पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति पुराने पौधे हैं उनमें कितनी सजीवता कितनी जान होती है। आयुर्वेद की तरफ लोगों का विश्वास बढ़े, लोग इसका ज्ञान प्राप्त करें और लाभ प्राप्त करें। हमारी पुरानी पद्धति से अवगत हो, हमारे पुराने मनीषी बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत ही विद्वान लोग थे वो, कोई आज के लोग तो उनसे कहीं पैर की धूल के बराबर भी नहीं है मित्रों। नमस्कार मित्रों।